इसमें देखिए इंट्रोडक्शन, बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ देखो बॉन्ड से रिलेटेड है, बॉन्ड मतलब किसकी बात कर रहे हैं ये, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। एंगल, एंगल मतलब समझ में आता है, दो बॉन्ड के बीच में एंगल पाया जाता है, दो बॉन्ड जुड़े हैं उसके बीच में क्या पाया जाता है, एंगल, ठीक है। वो होगा एंगल, या इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल। और स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, स्ट्रेन मतलब तनाव, ठीक है, या खींचना, तो स्ट्रेन मतलब हो गया तनाव। अगर क्या होता है, केमिकल जो बॉन्ड है, जैसे कि ये सिंपल सा चीज सी, और इससे जुड़ा हुआ है ये एच 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 एच, ये क्या है हमारा, मैथेन, ठीक है, क्या है, मैथेन। लेकिन यहीं पे जब इसका हम लोग क्या बनाने चलते हैं, ये देखो तो ये बनाने चल गए, क्या है ये, साइक्लो प्रोपेन है ना, ये मैथेन है, ये क्या है, साइक्लो प्रोपेन। तो इसमें होता क्या है, यहां पे देखें ये जो कार्बन है इस पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो सेम होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए होता है सेम टू सेम हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए भी होगा, क्लियर है। इस पर देखिए तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, तो यहाँ पे भी क्या है sp3, यहाँ भी sp3 और यहाँ भी sp3, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल में अंतर आता है, देखो तो बॉन्ड एंगल ये देखो ये कितने का होता है, 109.28 डिग्री का इस कार्बन होता है जब वो फ्री अवस्था में। लेकिन यहां पे देखोगे कि यहां पे जो स्ट्रेन आता है, सॉरी जो एंगल आता है वो एंगल होता है कितने का, तो 60 डिग्री का, कितने का, 60 डिग्री, ठीक है, जो कि कितना होना चाहिए था, जो कि कितना होना चाहिए था, 109.28 का होना चाहिए था, लेकिन वह इतना ना हो करके कितना हो रहा है, तो 60 डिग्री का हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें 109.28 का होना चाहिए था, उसमें घटा देता हूं मैं 60 को, ठीक है, तो कितना आएगा, घटाओ कितना आएगा, कितना आएगा, ये तो 28 ही आएगा। और देखो इधर तो ये हो गया 9 और 9 6 4 10, कितना डिग्री आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो बताएं ये क्या है, नॉर्मल बॉन्ड एंगल, ये होता है क्या, नॉर्मल बॉन्ड एंगल, और ये क्या होता है, ये साइक्लो ब्यूटेन, सॉरी साइक्लो प्रोपेन, प्रोटीन का बॉन्ड एंगल, साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल, ठीक है। और ये जो आया है हमारा यहां पे, ये होता है स्ट्रेन, इसको इतना होना चाहिए था, लेकिन होता कितना है, तो इतना होता है, और इतना होता है तो इसमें इसको घटा देंगे तो जो बचेगा वही कहलाता है स्ट्रेन, या इसको बोला जाता है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, स्ट्रेन कहा जाएगा, या फिर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। मतलब सिंपल सा परिभाषा क्या बता सकते हैं उसके बारे में, सिंपल सा परिभाषा में क्या बोल सकते हो, बेसिस पर जितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, अगर उससे बॉन्ड एंगल में कुछ भी कमी आती या कितनों भी कमी आती है, उसके कारण से वह मॉलिक्यूल स्ट्रेन फील करेगा, और वही स्ट्रेन उस एंगल के बेसिस पर क्या कहलाएगा,
बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कहा है। क्लियर है? चलो लिख लो, लिखा दो कि लिखो, लिखा दो कि लिखोगे, लिख पाए। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर कोई मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए उससे यदि बॉन्ड एंगल कम होता है तो मॉलिक्यूल्स के द्वारा स्ट्रेन फील होता है। यह स्ट्रेन के कारण जो बॉन्ड एंगल में कमी आती है उसे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कहा जाता है। ये है उसका सिंपल सा परिभाषा। क्या बोले कि जो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर जितना मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल होना चाहिए था अगर उससे कम हो जाता है तो कम हो जाने के कारण से उस मॉलिक्यूल पर स्ट्रेन फील होगा। स्ट्रेन फील मतलब स्ट्रेन महसूस करेगा और स्ट्रेन महसूस करने के कारण उसका बॉन्ड एंगल में जो कमी हुई उस बॉन्ड एंगल के कमी को ही हम क्या बोलते हैं बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कहते हैं। ये होगा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। जैसा कि एग्जांपल में बता दिए कि मेथेन के केस में नॉर्मली 109.28 का होना चाहिए था जो कि कितने का हमको प्राप्त होता है साइक्लोप्रोपेन में 60 और कितने का अंतर आ रहा है 49.28 का अंतर आ रहा है। यही जो है यह बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कहलाता है क्योंकि यह जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है और साइक्लोप्रोपेन के जो बॉन्ड एंगल अंतर है उसी रेट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। और स्ट्रेन कैसा स्ट्रेन तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन देखो क्या कहने चाह रहे हैं हम लोग एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन क्या होता है तो एंगल स्ट्रेन में बताया जाता है इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एक केस में 3 carbon एटम्स जुड़े होती या कोने पर जुड़े हुए कॉर्नर पर जुड़े हुए ठीक है। साइक्लोप्रोपेन का केस देखें उसमें क्या होता है तो 3 कोने पर क्या होते हैं कार्बन जुड़े होते हैं ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं तो इसमें इक्विटोरियल ट्राइएंगल इन विच द सीसी बॉन्ड था तथा इनके मध्य इक्विटोरियल ट्राइएंगल
सी सी और सी, ठीक है, ट्रायंगल सी सी और सी 60 डिग्री का पाया जाता है, 60 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का होता है। बट टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंगल 109.28 बॉन एंगल कितने का होता है, 109.28 का होता है, ठीक है। जिससे साइक्लोप्रोपेन के ऑल बॉन्ड एंगल कंप्रेस, क्या हो जाता है, कंप्रेस टू इससे टेट्राहेड्रल, और इस कंप्रेशन के कारण साइक्लोप्रोपेन पर स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है, स्ट्रेन उत्पन्न होता है, जिसे एंगल स्ट्रेन कहते हैं, जिसे फॉलोइंग वे से कैलकुलेट किया जाता है, जिसको फॉलोइंग वे से कैलकुलेट किया जाता है। चलो ठीक है, तो क्या बोला गया, साइक्लोप्रोपेन पर स्ट्रेन उत्पन्न होता है, जिसे हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं, और इसका कैलकुलेशन निम्न प्रकार से किया जाता है, ये फॉर्मूला उसके लिए दिया गया है। तो देखें ये फॉर्मूला कौन सा है, तो इसके लिए देखते हैं हम लोग, तो एंगल स्ट्रेन को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, एंगल स्ट्रेन, ठीक है, सिर्फ इसके लिए जो साइक्लोप्रोपेन के लिए, तो इसको साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे ना, तो ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन कितना होता है, 1/2 फॉर्मूला है इसका, क्या होता है, तो इसमें नॉर्मल एंगल स्ट्रेन
नॉर्मल एंगल में हटा देते हैं किसका, तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन एंगल क्या करना है, 1/2 करना है, नॉर्मल एंगल में हटा देना है किसको, साइक्लोप्रोपेन का एंगल। ठीक है, चलो हल करोगे क्या होगा बोलो तुम, 1/2 109.28 में घटा देना है कितने को, 60, बोलो कितना आ रहा है, 1/2 49.28 और इसका डिवाइड कर देते हैं 2 से कितना है, 24.5 बोलो बोलो कितना है, भाग देना ही पड़ेगा 24 से, ये हो गया 2 है ना, ये हो गया 48 और 48 में 1, ठीक है, और ये क्या हो गया दशमलव नहीं सुनना कितना भाग के लिए, 2 से भाग देना है ना, 2 से तो 2 24 धोने 48, ठीक 24 ही आ गया, अब बचा 1, अब हो गया दशमलव, अब इसमें 2 कूटा है भी 6 दो छक्का 12 हो गया 8, उसके बाद में 2 चौक 8 तो 6 हो, ठीक है, तो क्या आ गया साइक्लोप्रोपेन के लिए एंगल स्ट्रेन, तो एंगल स्ट्रेन इसका कितना होता है, एंगल स्ट्रेन कितना कितना होगा, कितने का होगा, ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन कितने का होता है, तो किस प्रकार से होता है। अब इसी प्रकार से सिमिलरली मेंबर में, सिमिलरली अदर जो मेंबर है उनमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन या फिर क्या बोलते हैं इसको, एंगल स्ट्रेन निम्नवत होता है, निम्नवत होता है, तो निम्नवत होता है, तो जैसे साइक्लोब्यूटेन में देखें, साइक्लो सॉरी इसको ये कर देते हैं, यहां पे नेम है और नेम के बाद है नॉर्मल, इस नॉर्मल एंगल और क्या है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल और उसके बाद रहेगा एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिखा है, तो यहाँ पे नेम, नेम मतलब नाम किसका, किसका कंपाउंड का, जैसे साइक्लोब्यूटेन देखे ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन करें, साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन में कितने मेंबर हैं, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का जो नॉर्मल एंगल है वो कितना होना चाहिए था, 109.28 का होना चाहिए था, लेकिन पाया कितना जाता है, तो इस पर पाया जाता है 90 का, ठीक है, तो 90 का उसको घटा दोगे ऐसे ही फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला हल करने के बाद आता है हमारा कितना, तो ये आता है 9.64, ऐसे ही साइक्लोपेंटेन का देखें, तो साइक्लोपेंटेन में कितना होता है 5, ये तो सेम ही रहेगा सबके लिए, 109 का ही पाया जाना था, लेकिन नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है 108 डिग्री का, और इसका देखोगे तो ये होगा 0.64 एक स्ट्रेन, ठीक है, और इसी प्रकार से साइक्लो हेक्सेन देखें, तो साइक्लो हेक्सेन 6 नंबर वाला है, इसके लिए देखोगे तो इसके लिए होता है 120 डिग्री का, और इसके लिए एंगल स्ट्रेन जो है वो होता है -0.525 दिखा रहा है, 2.5 to 2.8 होना चाहिए, ठीक है,
और इसके बाद में साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन सेवन नंबर है, सेम होगा। और इसके लिए देखेंगे तो 128.58 होता है डिग्री का, और इसके लिए एंगल स्ट्रेन देखेंगे तो वो होता है -9.254, तो ये 54 है। और है साइक्लोहेप्टेन, ऐसे ही और आगे बढ़ते चलते हैं। तो इसमें हम लोग को कंसीडर करना है इतने। तो देखो तो साइक्लोप्रोपेन का एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, पॉजिटिव में वैल्यू है और कितना है 24, ठीक है 24 का डिग्री में 64। लेकिन वही चीज हम साइक्लोब्यूटेन का केस देखें वो कम हो गया है, मतलब क्या बोलेंगे उसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या होगा, कम हो गया। अब देखो उसके बाद पेंटेन का केस देखें तो उसमें और कम हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं मतलब मेंबर की संख्या बढ़ती जा रही है, एंगल स्ट्रेन घटते जा रहा है। अब माइनस में जो आएगा वो एक्सपेंशन को दिखाता है। एक्सपेंशन मतलब 109 का होना चाहिए था लेकिन वह 109 से भी ज्यादा हो गया है, तो वो क्या दिखा रहा है, तो एक्सपेंशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां से हमको क्या पता चला, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन जो है वह मेंबर के बढ़ने के साथ साथ या कार्बन के बढ़ने के साथ साथ क्या होते चलता है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन घटते चलता है या कम होते चलता है, क्लियर है। तो सिंपल से बता सकते हैं कि थ्री मेंबर में एंगल स्ट्रेन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बट जैसे ही मेंबर की संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है, मेंबर की संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो क्या होते जाएगा, एंगल स्ट्रेन डिक्रीज होते चलता है, डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, क्लियर है। तो यहां पे हम देखें तो सिक्स मेंबर फाइव मेंबर, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन थ्री मेंबर, इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन, ठीक है। यहीं पे ये तो हो गया फाइव मेंबर का, देखें सॉरी फोर मेंबर का देखें, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन के केस में एंगल स्ट्रेन स्ट्रेन कम हो जाता है, अतः साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन मोर स्टेबल होते हैं। देखो क्या बोला, एंगल स्ट्रेन कम हो गया, जिसमें एंगल स्ट्रेन कम होगा वह उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, क्लियर है। इसलिए बोल रहा है कि जो साइक्लोप्रोपेन है वह कम स्टेबल होता है इससे, तो साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन से, ठीक है। आगे देखें तो आगे बोलता है साइक्लोहेक्सेन,
इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का केस देखो तो दिख रहा है, उसमें देखो जितना बॉन्ड एंगल होना था उससे ज्यादा बॉन्ड एंगल हो गया। साइक्लोहेक्सेन का केस देखें तो उसमें जितना बॉन्ड एंगल होना था उससे ज्यादा बॉन्ड एंगल हो गया है। तो यहां पे बताया जाता है साइक्लोहेक्सेन के केस में रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल, क्या हो जाता है मैक्सिमम, रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल से बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं मैक्सिमम हो जाते, मैक्सिमम हो जाते हैं। अतः रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल को मेंटेन करने के लिए, बॉन्ड एंगल को क्या करने के लिए मेंटेन करने के लिए क्या होता है साइक्लोहेक्सेन डिस्टॉर्टेड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है और पकड़ स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर पकड़, सुने हो साइक्लोहेक्सेन का केस पढ़ा रहा था उस समय बताया था है ना, जब एंगल स्ट्रेन और ये सब चीज पढ़े थे ना उस समय पढ़े थे, तो डिस्टॉर्टेड हो जाता है तथा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा तथा पकर्ड स्ट्रक्चर ग्रहण कर लेता है, पकर्ड स्ट्रक्चर एडॉप्ट कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है, जिसके कारण रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल, रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल किसको बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, हाँ हाइब्रिडाइजेशन के लिए जितना बॉन्ड एंगल चाहिए था उतना बॉन्ड एंगल जो है होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल, या फिर लिख देता हूं 109.28 रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है रिटेन होता है, रिटेन मतलब समझ में आता है रिटेन हो जाता है, रीअटेन से बना है, ठीक है, तो रिटेन मतलब फिर से वह अपने मेन स्ट्रक्चर में आ जाता है, बढ़ रहा था तो इसमें एक्सपेंशन भी बढ़ गया था, एक्सपेंशन बढ़ा था इसके कारण से 120 का हो गया था, ठीक है, अब वह क्या हो गया तो उसी के कारण से वह साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर उसको डिस्टॉर्टेड कर जाता है, डिस्टॉर्टेड करके क्या बना लेता है तो पकड़ स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, और पकड़ स्ट्रक्चर क्या होता है तो पकड़ स्ट्रक्चर होता है हमारा दो फॉर्म, अतः साइक्लोहेक्सेन दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, अतः साइक्लोहेक्सेन टू फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, कौन कौन सा याद है कौन कौन सा फॉर्म, दो फॉर्म, यही दो फॉर्म है जिसमें वो क्या होता है एग्जिस्ट होता है, और ये दो फॉर्म के बेसिस पर देखें तो यह क्या कौन कौन सा है, तो वो चेयर और है बोर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, तो देखो
नॉर्मल सा केस देखें किसका, तो साइक्लोहेक्सेन का। तो ये देखो साइक्लोहेक्सेन के केस ये है। ध्यान दो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, क्या यह बॉन्ड 109 का दिख रहा है? क्या यह बॉन्ड 109 का दिख रहा है? कैसे तुम्हें समझ में आएगा? तो ये देखो, तो ऐसा करो ये तो त्रिभुज जैसा दिख रहा है, मतलब क्या हुआ 120 डिग्री का हो गया है साइक्लोहेक्सेन के केस में। अब यह इस स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिक्वायर्ड इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 का होना चाहिए था, और जो कि बढ़ करके कितने का हो गया है? 120 का। इसलिए यह इस पर एग्जिस्ट ना हो करके क्या हो जाता है, तो पकड़ स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, तो पकड़ स्ट्रक्चर दो होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग या तो चेयर फॉर्म या तो बोट फॉर्म। ये कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? तो ये होते हैं हमारे पकड़ स्ट्रक्चर। तो पकड़ स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसमें देखें तो क्या होगा, तो ये ऐसा होता है। देखो कौन सा फॉर्म है ये? चेयर फॉर्म। यही पे देखोगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा। और यहां से देखोगे ये वाला, तो ये कुछ ऐसा और ऐसा, और कुछ ये ऐसा और ऐसा। ठीक है, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं तो ये जो बॉन्ड एंगल है वह भी 109.28 का होगा। ये बॉन्ड एंगल भी, ये बॉन्ड एंगल भी, और ये बॉन्ड एंगल। आल बॉन्ड एंगल कितने के होते हैं? 109.28 का होता है। ये कौन सा फॉर्म है? चेयर फॉर्म। ठीक है, ये तो हो गया चेयर फॉर्म का। इसी प्रकार से इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, कौन सा? पकड़ फॉर्म का। पकड़ स्ट्रक्चर में बोट फॉर्म। तो बोट फॉर्म को कैसे दिखाते हैं? दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो बॉन्ड एंगल होता है वह एंगल क्या होता है? वो एंगल क्या होता है? सेम होगा। कितने का सेम? 109.28 का होगा। और ये फॉर्म कौन सा है? बोट फॉर्म। एंगल तो मेंटेन हो गया, एंगल मेंटेन हो गया। रिक्वायर्ड एंगल जितना चाहिए था, रिक्वायर्ड एंगल को रखने के लिए वो क्या करते हैं, तो वो अपने को ऐसा स्ट्रक्चर में ढाल लेते हैं जिससे कि रिक्वायर्ड एंगल रिटेन हो सके। रिटेन मतलब जैसा का तैसा हो सके। क्लियर, ये हो गया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, एक कॉन्सेप्ट और आता है, याद होगा तो। होता क्या है इसमें बताते हैं, यह मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, और ये क्या होता है? लेस स्टेबल। वो मोस्ट स्टेबल मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल, और ये होता है लेस स्टेबल। कारण क्या है? फ्लैग पोल इंटरेक्शन बताया था ना उस समय, फ्लैग पोल इंटरेक्शन, या फिर वन, क्या बोला था, वन फोर इंटरेक्शन। देखो ये वाला और ये वाला आपस में क्या करते हैं? रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन करने के कारण से इस पर रिपल्सन एनर्जी इंट्रोड्यूस होगी, और रिपल्सन एनर्जी इंट्रोड्यूस होगी तो यह लेस स्टेबल होगा और यह मोर स्टेबल होता है। क्लियर है? तो यहां पे देखो ये ऐसा है, यहां पे इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता। दिखने को वो ऐसा दिख रहा है लेकिन बहुत दूर दूर में। ठीक है, तो क्या होता है कि यहां पे हम लोग इसका फाइनल लिख लेते हैं कि क्या लिखोगे इसमें फाइनलाइज, साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म
लेस स्टेबल, लेस स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्लैट पोल इंटरेक्शन, फ्लैट पोल इंटरेक्शन या उसी को क्या बोलते हैं, वन फोर इंटरेक्शन के कारण रिपल्शन होगा, होगा जिससे इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, अतः अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल होगा, ठीक है। और इसी के अपोजिट साइक्लो जो चेयर फॉर्म है उसमें क्या बता सकते हो कि उसमें वन फोर इंटरेक्शन या फिर फ्लैट पोल इंटरेक्शन नहीं होता है, नहीं होने के कारण से यह ज्यादा स्टेबल, क्लियर है। तो ये है हम लोगों का क्या, तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड एंगल हेटरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होंगे वो मेनली टू टाइप के होंगे, सैचुरेटेड और होंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो देखते हैं सैचुरेटेड के केस, सैचुरेटेड हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो सैचुरेटेड हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम क्या बताते हैं, तो देखो तो सिंपल सा चीज है, सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, ट्राइसाइक्लिक में देखें तो ये है, ये सैचुरेटेड है और एक्स जो है वो क्या होगा, तो ये होगा हेटेरो एटम, क्या होगा, हेटेरो एटम्स, ठीक है। अब ये देखें हेटेरो एटम्स के बेसिस पर यह कैसा, तो हेटेरो एटम्स में देखें तो इसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं, ये देखो ये सी है, ये सी कौन सा एम डायरेक्शन है, इस पर sp2, ये sp3, sp3 सैचुरेटेड है तो sp3 हो, sp3 होगा तो देखो तो ये एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये हो गया इस प्रकार से, ऐसा ही ये टेट्राहेड्रल, ठीक है। ऐसे ही होगा क्या, यहाँ पे जो हेटेरो एटम होगा इस हेटेरो एटम पर भी देखें तो यह भी कैसा होता है, टेट्राहेड्रली अरेंज होगा, नाइट्रोजन है तो भी, ऑक्सीजन है तो भी, हेटेरो एटम है बोले हैं तो हेटेरो एटम की जगह में नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अरेंज होंगे, इसमें से क्या होगा, तो ये सिग्मा बॉन्डिंग करेगा, ये सिग्मा बॉन्डिंग करेगा, ये सिग्मा बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। अब बचे कौन, ये और ये, यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा, यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, यहाँ हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब बचा इसका केस, उसमें दो क्या होंगे, इस पर हाइब्रिड डायरेक्शन है sp3, तो इस पर 2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हुए हैं। अगर नाइट्रोजन का केस है, ठीक है, किसका केस है, नाइट्रोजन का, तो उसमें क्या होगा, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे एक लोन पेयर होगा और दूसरा sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उस पर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखें ऑक्सीजन है तो दोनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखें सल्फर होगा तो भी दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पर क्या होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे आगे बताया जाता है कि ये जो बॉन्ड एंगल मिलेगा इसका, नॉर्मल क्वेश्चन बता दिया है, तो इसी प्रकार से इसमें उपस्थित होते हैं बॉन्ड,
अब यहाँ पे कुछ एंगल स्ट्रेन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है और वो एक्सप्लेनेशन क्या है ये देखिए। तो इसमें देखते हैं सैचुरेटेड जो मेंबर होते हैं उनके लिए जैसे पहला केस बता रहा है कंपाउंड देन सी एक्स सी और इसमें डिग्री, उसके बाद है इसका सी सी एंगस्ट्रॉम में और सी एक्स क्या है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसके लिए जो एनर्जीज है उसको भी लिखना है, तो एनर्जीज को इधर तो हो गया है ना, इधर निकाल एक साथ है इसलिए। तो इसमें आगे है स्ट्रेन एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जीज किलो कैलोरी पर मोल के बेसिस पर दिया हुआ है और दिया हुआ है किलो जूल पर मोल के ऐसा। तो इसमें सबसे पहला है ये CCH2C में क्या बताएंगे, तो इसमें हम लोग बताते हैं ये देखो तो ये जो लिखा हुआ था X ऐसा H ये है। अगर X is equal CH2 क्या है, अगर X is equal to CH2 कार्बन है तब के कंडीशन, तो अभी भी देखे थे हम लोग CXC का जो बॉन्ड एंगल है इसको लिखना है यहाँ पे, ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा अभी भी देखे थे ना, साइक्लोप्रोपेन बन गया ना वो, अगर X का वैल्यू क्या हो गया CH2 है तो साइक्लोप्रोपेन, तो इसका डिग्री कितना होगा 60 डिग्री का। CC बॉन्ड तो देखो तो ये सी इसके बीच का जो बॉन्ड है लेंथ की बात कर रहा है, बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम क्या होता है एक नापने का तरीका होता है, मतलब पैरामीटर है, यूनिट है, तो उसमें कितना होता है, ये होता है 1.510 कितने का होता है, मतलब ये एंगल इसका कितना होगा 1.510 का होगा एंगस्ट्रॉम, एंगल नहीं क्या होगा लेंथ होगा लंबाई होगा, ठीक है। उसके बाद देखो सी एक्स बॉन्ड एंगल बोल रहा है, सी एक्स बॉन्ड लेंथ बोल रहा है, तो सी एक्स देखो सी ए एक्स ये इसके बीच का लेंथ है, तो देखो यहां के केस में सी एच ही है, मतलब यहाँ के केस में ये सी एच टू ही लिखोगे तो सी सी ही होगा, सी सी के लिए बॉन्ड लेंथ कितना होगा 1.10 एंगस्ट्रॉम ही होगा क्योंकि कार्बन कार्बन ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1.510 एंगस्ट्रॉम, ये भी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके लिए जो स्ट्रेन एनर्जी है वो कितनी लगती है, तो कैलोरी में देखें तो स्ट्रेन को इतना एनर्जी की आवश्यकता होती है, मतलब स्ट्रेन में बने रहने के लिए, स्ट्रेन बने रखने के लिए उसको उतना एनर्जी देना पड़ेगा, कितना 27.5 किलो कैलोरी पर, मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसा बना रहे इसके लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी, इसी को ही हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी, क्लियर है। उसी को किलो जूल में देखें तो किलो जूल में ये होता है 115 किलो जूल पर। ये केस था किसके लिए, साइक्लोप्रोपेन के। अब यहीं पे ये डिस्टर्ब हो जाएगा कब, जब यहां पे आ जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन आ गया, अब देखो यहां पे एक्स का वैल्यू क्या हो गया, अब वहां का हो गया NH ऐसा, इसका केस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच का जो एंगल है वह एंगल तो कितने का होगा 60 डिग्री का ही होता है,
तो ये 60 डिग्री का। इसका सी सी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना होगा, सी और सी का बॉन्ड लेंथ, सी सी बॉन्ड लेंथ नहीं उतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है इसका, कन्वेंशन में रहता तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता, रिंग का साइज बढ़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड का केस है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर ही खींचा, इस कार्बन से खींचाएगा, इस कार्बन से खींचाएगा, तो इनके बीच का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये भी आपस में पास आएंगे ना, पास आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो खींचा गया, तो ये वाला तो छोटा होगा ना, दोनों बॉन्ड छोटा होगा, ये तो पता चल रहा है। साथ ही साथ इस पर देखो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी इधर आ, अब ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के पास आना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन रखने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं। इसलिए कार्बन कार्बन के बीच का जो लेंथ है वह लेंथ कितना होता है, तो वो होता है जब हेटेरो एटम आ जाता है, तब हेटेरो एटम आ जाने के केस में, क्लियर है। उसके बाद देखो अगला वाला, ये तो और कम ही होगा, इससे भी कम होगा, इतना था इससे भी कम हो जाएगा, तो ये होता है इतना इंग्लिश कम, ठीक है। साथ में देखो अब स्ट्रेन लगभग इसी के आसपास ही रहे, स्ट्रेन उतना ही होना है, थ्री मेंबर है, अब वो तो फैल करके नहीं रहता, क्या करेगा उसको सिकुड़ना चाहिए, इसके लिए एंगल स्ट्रेन का जो वैल्यू है वो 27.1 प्राप्त होगा और 113 किलो कैलोरी प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे देखें थर्ड सी ओ सी का क्या होना चाहिए, बोलो सी ओ सी ये तो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, क्या होगा, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा मतलब बॉन्ड लेंथ और घटेगा, सिकुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखें तो बॉन्ड एंगल जो है वो तो घटता नहीं है, बढ़ेगा। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल घटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखो लोन पेयर है आपस में रिपल्शन करेंगे, तो देखो होता क्या है कि ये चार है ऐसा, ये रिपल्शन करेंगे एक दूसरे से भागना चाहेंगे, ये क्या करेगा, इसको खींचना चाहेगा, मतलब इसको भी भगाना चाहेगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो है वह क्या होगा, वो घटेगा, वो घट करके देखोगे सी सी के बीच। अब ये केस किसका देख रहे हैं, ऑक्सीजन का केस देख रहे हैं ऐसा, तो ये सी सी के बीच का जो इसका कितना हो रहा था, 481 एंगस्ट्रॉम का, इसका होगा 1.472 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हमको प्राप्त होता है 1.472 एंगस्ट्रॉम, और इसमें आगे देखोगे तो ये बॉन्ड एंगल होता है 436 एंगस्ट्रॉम, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये कितने का है, तो 1.436, और इसका लगभग जो स्ट्रेन एनर्जी है इसी के लिए ऐसा होता है इतना, और ये 1.1, और यही पे अगर क्या आ जाए, सल्फर आ गया, सल्फर आ गया, तो सल्फर आएगा तो क्या होगा, सल्फर के लिए देखेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल और घट जाता है, बॉन्ड एंगल घट गया, कितने का प्राप्त होता है, तो ये 48.5 का। अब देखो इसमें एंगल स्ट्रेन और बढ़ जाएगा, एंगल स्ट्रेन और बढ़ेगा मतलब इसका वैल्यू और बहुत बढ़ जाएगा, तो ये कितना मिलेगा हमको, 83। ये एंगल इसमें बढ़ो है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, इन सब से कम खींचेगा, ये 68 होना चाहिए, 68 प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ये 64 लिखा है लेकिन सॉरी 48 लिखा है लेकिन 68 होना चाहिए, तभी ये वैल्यू कम होगा। एनर्जी सब किसका, स्ट्रेन का, मतलब जो जितना ज्यादा स्ट्रेन रखेगा वह उतना ज्यादा एनर्जी रखेगा, वही चीज बोला ऊपर, ठीक है। ये 60
एट पॉइंट ये होगा, और इसके लिए जो बॉन्ड लेंथ होगा वो होगा इतने का, और ये होता है 1.879 का, और ये 19 का। ये यहाँ पे देखें सल्फर का केस, तो सल्फर के केस में ये होगा इसका जो होगा वैल्यू वो 4.92 का होता है, और ये वैल्यू होता है 1.879 एंगस्ट्रॉम का, ये एंगस्ट्रॉम का, और ये वैल्यू होता है कितने का, तो 68.5 का। इसका लिखेंगे ये होगा 61 का। ठीक है, तो यहां पे बताया गया कि जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो कितना कितना का होगा, तो लगभग इतना इतना एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये क्या है, तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एनर्जी, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन की एनर्जी। अब देखो दोनों में अंतर क्यों आ रहा है, अभी तो निकाले थे हम साइक्लोप्रोपेन का केस में कितना आया था 24.28 डिग्री, ये आया था ना, देखो तो 24 आया था कि नहीं आया था, हाँ आया था ना। ये क्यों ऐसा है, क्योंकि यह वैल्यू क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, हम कैलकुलेशन के थ्रू तो लाए थे उसको, और ये क्या है, ये वैल्यू है हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू लाए हैं ये वैल्यू, और वो वैल्यू कैलकुलेट करके लाए हैं, क्लियर है, तो इसलिए अंतर है दोनों। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, ये हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड में एंगल स्ट्रेन, तो एंगल स्ट्रेन इस प्रकार से इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। लिखने का तरीका समझना है, इसको लिखो तो उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, ठीक हो, तो किसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहां पे देखें स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स कंपाउंड में मेनली थ्री मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ा जाता है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, स्मॉल हेटेरोसाइक्लिक जो हेटेरोसाइकल्स जो होते हैं उसमें मेनली जो है हम लोग किसको पढ़ते हैं, किसका स्टडी होता है, तो थ्री मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का स्टडी होता है। ठीक है, अब थ्री मेंबर्ड हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में उनके इनको स्टडी करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए कई इविडेंसेस दिए गए हैं जो कि थ्री मेंबर हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, जो कि थ्री मेंबर हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्टिविटी एंड अदर फैक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट
करते। देखो इसमें क्या बोल रहा है, स्मॉल रिंग तो ये हो गया, स्मॉल रिंग हेटरोसाइक्लिक्स। कहने का मतलब है कि जो थ्री मेंबर हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे उन्हीं को ही इसमें बताया जाता है या पढ़ा जाता है, लेकिन साथ ही साथ बोलता है कि इसको जो है कई इविडेंस के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया। इविडेंस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उनके बेसिस पर इसको एक्सप्लेन किया गया, जिसके अंतर्गत इन थ्री मेंबर हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्टिविटी एंड अदर जो फैक्ट्स हैं। रिएक्टिविटी बोल दिया, तो रिएक्टिविटी मतलब कैसा रिएक्शन होगा, उसमें क्यों होगा, कहां पे होगा, इसको साथ ही साथ अदर फैक्ट जैसे कि उसकी स्टेबिलिटी, स्ट्रेन कितना है, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है, ये सबको सपोर्ट करता है। कौन सा, ये आगे जो कंस्ट्रेंट दिए गए हैं ये, तो इसमें है पहला एनएमआर स्पेक्ट्रम, नोट रहते हैं उसकी ही याद, इसको उसमें पढ़ेंगे बोले, लेकिन ये भी आ ही गया। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम, तो एनएमआर स्पेक्ट्रम में बताया जाता है, तो इसमें बताया जाता है C13NNR के द्वारा, C13NMR के द्वारा स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स के बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, इसको बॉन्ड एंगल स्ट्रेन C13NMR के द्वारा, तो स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स के बॉन्ड एंगल स्ट्रेन को प्रूव किया जा सकता है या किया जाता है। देखो क्या बोला, C13NMR जो होता है उसमें जो केमिकल शिफ्ट आएंगे, उन केमिकल शिफ्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, तो स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनके बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, जैसे अभी बताया ना कि बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ऐसा होता है, उसको हम लोग C13NMR के द्वारा जो है प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये रियल में ऐसा होता है। ठीक है, तो आगे देखें, तो आगे इसमें बोलता है इसमें बताता है कि स्मॉल रिंग, स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइकिल्स में कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट के इंक्रीज के साथ साथ, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, कपलिंग मतलब समझ में आ रहा है, जुड़ना, कपल करना, ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट मतलब दो लोगों को जोड़ने के लिए जो कांस्टेंट दिया जाए उसको हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, वही चीज है कपलिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट के इंक्रीज के साथ साथ, साथ साथ कपलिंग कांस्टेंट के इंक्रीज के साथ साथ CH बॉन्ड में, CH बॉन्ड में S करेक्टर इंक्रीज होता है। देखो क्या बोल दिया, कपलिंग कांस्टेंट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा C13NMR के लिए, CH बॉन्ड के S करेक्टर जो होंगे वो भी इंक्रीज होते चलता है, इंक्रीज होते चलता है बोल रहा है। तथा इनके लिए कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू, कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू ओपन चेन एनालोगस से हायर होता है,
हायर होता है। देखो तो इनके लिए कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू, इनके लिए, इनके लिए बोल रहा है, इनके लिए स्मॉल रिंग हेटरोसाइकल्स के लिए, इनके लिए मतलब ये समझना, स्मॉल रिंग हेटरोसाइकल्स के लिए जो कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू होता है ओपन चेन एनालॉगस, मतलब ओपन चेन वाले जो कंपाउंड होंगे जो कि जितना कार्बन इसमें है उतना ही उसमें कार्बन, उसके बेसिस पर क्या होता है हायर होता है। तो मतलब किसका वैल्यू हायर होगा कपलिंग कांस्टेंट का, तो जो स्मॉल रिंग हेटरोसाइकल होंगे उनका ज्यादा होगा इनसे ओपन चेन एनालॉगस से। क्लियर है? जहां पे C13 या कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं कैपिटल J से दिखाते हैं, ठीक है, और किसका है तो किसका है C13 H के बीच, C13 H के बीच कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू कुछ दिया गया है हर्ट्ज, और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है हर्ट्ज या फिर मेगा हर्ट्ज, हर्ट्ज या फिर मेगा हर्ट्ज, किसका यूनिट कपलिंग कांस्टेंट का यूनिट। क्लियर है? तो यहां पे देखो तो एक चीज दिया हुआ है ये डाई मेथिल एमी, डाई मेथिल एमी बोलो तो फॉर्मूला बोलो इसका, डाई मेथिल एमी का फॉर्मूला एन इसके साथ जुड़ा होगा एच और इस दोनों साइड रहेगा मेथिल, ये होगा डाई मेथिल एमी। क्लियर है? डाई मेथिल एमी और दूसरा देखो तो दिया हुआ है एजिडी, एजिडी बोलो एजिडी फॉर्मूला बताओ, एजिडी नाइट्रोजन रहेगा इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रहेगा और इसके लिए नाम आएगा क्या एजिडी। क्लियर है? पहले क्या पढ़ रहे थे, पहले यूनिट में स्ट्रक्चर था उसका नाम पढ़ रहे क्या होगा, अब नाम देंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्या एजिडी डी और एजिडी, एजिडीन का बोलो तो क्या होगा एजिडीन, एजिडीन तो एजिडीन में क्या होता है बोलो एजिडीन क्या है, लिख सकते हो उसको ऐसा लिख सकता हूँ, अगर इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको ऐसा, इसका नाम भी तो वही होगा एवरी रिंग, तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है यहाँ एक हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन आ गया और एक हाइड्रोजन तो होगा ही यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों चीज को हम क्या बोलते हैं एजिडीन। क्लियर है? तो जब हम C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं इसके लिए जो हमको कपलिंग कांस्टेंट मिलता है किसका, वो कपलिंग कांस्टेंट होता है कितना, ये होता है 132 हर्ट्ज, 132 हर्ट्ज किसके लिए प्राप्त होता है डाई मेथिल एमीन, ठीक है, और वहीं पे इसके लिए हमको प्राप्त होता है जिसके लिए एजिडीन के लिए 166 हर्ट्ज, कितना 166 हर्ट्ज, और इसके लिए प्राप्त होता है कितना 176 हर्ट्ज, 176 हर्ट्ज, और ये सभी के सभी क्या है नाइट्रोजन कंटेनिंग, मतलब देखो तो कपलिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है
ऐसा चिन्ह दे सकता हूं। ठीक है, अब किसका कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा, बोलो किसका कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा, वन चैन वाले, वन चैन वाले किसका कपलिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा, अरे किसका ज्यादा वैल्यू है वही है ना। ठीक है, किसका, एथिलीन का। ठीक है, अब एथिलीन का कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा, तो बोलो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, स्ट्रेन, स्ट्रेन ना, तो किसका एंगल स्ट्रेन ज्यादा, एंगल स्ट्रेन किस में ज्यादा है, रिलेशन बताया था तुम लोग को, याद होगा रिलेशन, याद आ रहा है ये हुआ, ऐसा लिखेंगे एस करेक्टर और पी करेक्टर, बताया थे इस पर क्या है, एस करेक्टर पी करेक्टर बताया था, ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है, और इसमें क्या बोला था, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा बढ़ने के साथ साथ, एक बढ़ने के साथ साथ कौन सा करेक्टर बढ़ेगा, एस करेक्टर बढ़ता है, एस करेक्टर इंक्रीज विथ किसके साथ, बॉन्ड एंगल इंक्रीज, याद है ये कॉन्सेप्ट, याद आया कि नहीं, एस करेक्टर बढ़ेगा मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, क्लियर है, चलो यही चीज यहाँ पे देखो तो अच्छा, कपलिंग कांस्टेंट इंक्रीज, तो एस करेक्टर इंक्रीज किस में, मतलब एस करेक्टर बाहर बढ़ रहा है, यही होगा ना एस एच, यहाँ एस करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज हुआ तो अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हो गया, बॉन्ड एंगल बढ़ा, बॉन्ड एंगल बढ़ा तो एस करेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ा है, तो अंदर क्या होगा, अंदर क्या होगा, जो चीज बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, एक कॉन्सेप्ट तुमको पता है, एस करेक्टर बढ़ेगा मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, पहला कॉन्सेप्ट, अभी तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो कि कपलिंग कांस्टेंट जिसका ज्यादा उसमें सी एच बॉन्ड में एस करेक्टर ज्यादा, ठीक है, सी एच बॉन्ड इस रिंग में कहां है, ये सी और ये एच, क्लियर है, यहां अगर कपलिंग कांस्टेंट किसका केंद्र है, ये कपलिंग कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, यहां एस करेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज, अब वहां पे एस करेक्टर इंक्रीज, इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया, किधर, बाहर की ओर, तो अंदर का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज, तो क्या हुआ, स्ट्रेन में बताओ उसको, सबको रिलेट करना है, मेन हम पढ़ क्या रहे हैं, एंगल स्ट्रेन, और ये सब पढ़ने के बाद एंगल स्ट्रेन पे पहुंचना है हमको, ना ही एस करेक्टर सी करेक्टर, क्लियर है, चलो यहाँ बाहर की ओर एस करेक्टर इंक्रीज, तो अंदर की ओर पी करेक्टर इंक्रीज बोल सकते हो, ठीक है, और पी करेक्टर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज हो गया, मतलब बॉन्ड एंगल यहाँ पे और कम हो जाएगा, और कम हुआ तो क्या हुआ, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, क्यों, क्योंकि वहां पे बॉन्ड तो छोटा हो गया, और 109 में उसको घटाओगे तो जो वैल्यू 24 का आ रहा था वो तो 25-26 का आने वाला है, जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं समझ में आया,
आ गया सर। लिखे लिखे देखो इस केस में देखिए कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट क्या हुआ इंक्रीज, तो इंक्रीज तो अब देखो सी एच बॉन्ड लिख रहा है, सी एच बॉन्ड में क्या हो गया एस करेक्टर, करेक्टर क्या हो गया इंक्रीज, और एस करेक्टर इंक्रीज के साथ बॉन्ड एंगल कहां बाहर में, बाहर में क्या हो गया इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब बाहर में बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया तो अंदर की ओर क्या होगा बोलो, अंदर की ओर पी करेक्टर क्या होगा अंदर लिखो, अंदर पी करेक्टर क्या होगा इंक्रीज, और पी करेक्टर इंक्रीज तो बॉन्ड एंगल क्या होगा डिक्रीज, और बॉन्ड एंगल डिक्रीज बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हाँ तो एंगल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसमें क्या लिखोगे यहाँ पे 60 से कम तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा ज्यादा होगा, समझ में 60 से कम हो गया मतलब स्ट्रेन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्रीज, हेंस हेंस क्या बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। तो फाइनली आंसर मेरे को बताओ कि इन तीनों में ये और ये इन तीनों में किसका एंगल स्ट्रेन ज्यादा, सर मेरे में देखिए ना क्या लिखा है, हाँ मेरे में दिख ही नहीं, धुंधला धुंधला दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, हाँ नीचे का वो नंबर है मतलब एनर्जी कितना कितना है उसको वो, हाँ ये वाला ये 176 हर्ट्ज है और हाँ, ये है 166 हर्ट्ज और ये है 132 हर्ट्ज और ये वाला एक ट्राई एक सौ बत्तर, ठीक है। तो अब इसके बेस पर क्या हो गया, तो तुमको समझ में आ गया एक बेस सीधा कॉन्सेप्ट तो बना सकते हैं कि स्मॉल रिंग हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल स्ट्रेन भी ज्यादा सीधा कौन क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस बेसिस पर इसको बताया गया है, अब खींचो तो इसको का एक एग्जांपल दिया है, देखो तो इस पर जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े उसको थोड़ा सा अप्लाई करके दिमाग लगा करके बताना तो फिर ये कॉन्सेप्ट पूरा याद हो जाएगा। इसका नाम क्या है डाई मेटेरियल, इसका नाम इटेन होता है, चार है इसलिए इटेन, और ये इटेन, ठीक है इसके बाद इटेन के बाद बताओ अभी कॉन्सेप्ट पढ़े कपलिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा तीनों में से,
इसका कौन सा तो पढ़े उसमें, सेकंड का कि थर्ड का? नहीं नहीं थर्ड का, थर्ड का ज्यादा होगा एंगल स्ट्रेंथ, थर्ड का ज्यादा होगा जी एंगल स्ट्रेंथ इसका, एक्सीरेन का, एक्सीरेन का बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो एस कैरेक्टर भी बढ़ेगा। बताओ बताओ इस पर एक्सप्लेनेशन, यही था ये इस पर क्या बोल रहे थे, एस कैरेक्टर बढ़ेगा बाद में बोलो 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 सिंपल सा तो कह सकते हैं बाहर की ओर क्यों, अंदर अंदर की ओर क्यों, अंदर अंदर की ओर तो बस 90 घटेगा ना यहाँ क्या बढ़े समझ में आया 60 डिग्री था वहां बाहर ज्यादा एंगल होगा, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, यहाँ 90 डिग्री है उसके रिस्पेक्ट में मिला तो कम ही हो, अब इसमें कंपेयर कर दी उसको इन दोनों में बाहर की ओर किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, थर्ड वाले का होगा। अब कंक्लूजन क्लियर हुआ, हाँ लोन पेयर को नहीं देखते हैं। चलो तो सिंपल सी चीज है, हम लोग अभी भी देखे हैं कि नहीं देखे हैं तो आज ही पढ़े हैं, अभी फिलहाल के क्या बोले हैं स्ट्रेन जैसे जैसे मेंबर साइकिल का बढ़ते जाता है, जैसे कि कभी सुजिला बोली जैसे जैसे मेंबर क्या होते जाता है बढ़ते जाता है, बढ़ते जाएगा तो क्या होगा स्ट्रेन कम होते जाता है एंगल बढ़ते जाता है, ये एंगल बढ़ते जाएगा, एंगल बढ़ रहा है मतलब अंदर की ओर बेस करेक्टर बढ़ेगा, क्लियर है सिंपल सा, तो इसके बेसिस पर बाहर की ओर एस करेक्टर कम होगा, एस करेक्टर कम हुआ तो एस करेक्टर डायरेक्ट भी रेफर करता है, देखो तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो कपलिंग कांस्टेंट भी होगा, तो इसका कपलिंग कांस्टेंट इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, ठीक है मतलब ये तो हो गया, लेकिन ये तो नॉर्मल के केस तो इसका तो कम ही हो रहा है, ना तो अंदर है ना तो बाहर है, क्लियर है, तो सबसे कम किसका कपलिंग कांस्टेंट, यानी किसी भी प्रकार का स्ट्रेन नहीं है और 109.28 का भी है, यहाँ पे 90 का हो गया है यहाँ पे 60 का हो गया है, तो बोलो कपलिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा था, ऑक्सीजन का ज्यादा कितना होता है, इसका होता है 176 हर्ट्ज लगभग इसी की जगह, कितना और इसका इससे कम होगा, तो इसका याद नहीं है तो ये लिख देते हैं हम लोग, पता नहीं है तो लिख देते हैं, इसका कितना होगा इसका तो और कम होगा इसके जैसा, तो ये होता है 140 हर्ट्ज, तो सिंपल सा चीज है, देखो मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा था इसीलिए इसको मैं पूछा उल्टा, नहीं तो पहले इसको लिखना, ये नंबर को लिखना था उसके बेसिस पे बताओ बोलता, अब बताओ इस पर, तो अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कपलिंग कांस्टेंट इंक्रीज, एस करेक्टर सी एच बॉन्ड में इंक्रीज, मतलब सी एच बॉन्ड तो है नहीं यहाँ तो क्या होगा बाहर की ओर एस करेक्टर इंक्रीज, एस करेक्टर इंक्रीज तो क्या होगा बॉन्ड एंगल इंक्रीज, अगर बाहर की ओर एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो अंदर की ओर पी करेक्टर इंक्रीज होगा, पी करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा,
डिक्रीज होगा तो 60 से भी थोड़ा कम हो सकता है, 60 से कम होगा तो 109 से उसको घटा देंगे तो एंगल स्ट्रेन इंक्रीज, क्लियर है? तो इसमें सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन इसमें पाया जाएगा, उसके बाद इसमें, उसके बाद क्लियर है? चलो एक कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, नहीं दिया फिर भी मैं ये लिख देता हूँ, देखो बोलो क्या बोलना पसंद करो। कॉन्स्टेंट हुआ है ना, बॉडी का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा गधे लोग। अभी मैं बताया हूं, क्या बताया हूं, थ्री मेंबर में सबसे ज्यादा स्ट्रेन होता है, तो ये तो फाइव मेंबर है, जैसे जैसे फाइव मेंबर बढ़ते जाएगा स्ट्रेन तो नहीं, इन तीनों में क्या, इन तीनों में मैं सब में पूछ रहा हूं, सब में किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कपलिंग कॉन्स्टेंट सबसे ज्यादा होगा, क्लियर है? इससे कम किसका, इसी का, उसके बाद इसका, ये फ्री है 109 का ही है पूरा पूरा इसका, उसके बाद इसका इधर, क्यों अंतर रखना है तो कपलिंग कॉन्स्टेंट कुछ ना कुछ देगा यहाँ पे, क्लियर है? उसके बाद इसका और उसके बाद इसका है, समझ में आया? मतलब सबसे ज्यादा किसका, तो किसका, ठीक है, उससे कम किसका, ठीक है, उससे कम किसका और उससे कम किसका और इसका, फिर लास्ट में आएगा, समझ में आया? कॉन्सेप्ट वही है, उसके बेसिस पर हमको इसको एक्सप्लेन, क्लियर है? फिलहाल के लिए इनका वैल्यू नहीं दिया गया है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये कि अगर ऐसा आ गया जो कि नेट के सिलेबस में आता है, नेट के क्वेश्चन, ठीक है, क्या पूछेगा, कपलिंग कॉन्स्टेंट किसका ज्यादा हो, तो किसका ज्यादा होगा उसी का, ठीक है, उनके बीच में फिर ये सब आएंगे, क्लियर हो गया हमारा एटोसाइक्लिक का एनएमआर के बेसिस। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग किसका, सेकेंड है इंफ्रारेड के लिए, तुम नहीं पूछे वहां कोई गड़बड़ हो जाए ना, इसलिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखें, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इसमें क्या होता है, इसमें देखें तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में हम बताते हैं कि अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन वाले, ठीक है, या फिर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन रखने वाले, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन रखने वाले डिफरेंट 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 क्या देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आई आर स्पेक्ट्रम देते हैं। देखो इसमें पहले वाले में हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था वो, है ना, लेकिन ये अब जो है आईआर स्पेक्ट्रम में वो हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है। तो देखो तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर यहाँ पे कैसे, इधर तो ठीक ही हूँ, कैसे डिफरेंट डिफरेंट देगा, तो यहां पे बताया जाता है कि
अनस्ट्रेन मॉलिक्यूल्स में सी एच स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लोअर होता है लोअर देन स्ट्रेन स्ट्रेन मॉलिक्यूल। क्या बोल रहे हैं अनस्ट्रेन मॉलिक्यूल, अनस्ट्रेन मॉलिक्यूल ये है, इसमें स्ट्रेन नहीं है, इसमें क्या होगा तो जो सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वो क्या होती है लोअर होती है विद कंपेयर टू स्ट्रेंड मॉलिक्यूल। स्ट्रेंड मॉलिक्यूल ये स्ट्रेंड मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे जिसमें स्ट्रेंड पाया जाएगा स्ट्रेंड मॉलिक्यूल होगा, और स्ट्रेंड मॉलिक्यूल जिसमें स्ट्रेंड अब्सेंट हो उसको हम बोलेंगे अनस्ट्रेंड मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब इसमें बोलता है इन स्मॉल रिंग हेटरोसाइक्लिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज विद इंक्रीज द रिंग साइज, रिंग साइज के इंक्रीज होने पर सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, रिंग साइज के इंक्रीज होने पर सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। क्या बोलते हैं देखो तो रिंग साइज जैसे जैसे बढ़ेगा सी एच के बीच का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होते जाएगा डिक्रीज होते जाएगा। जैसे सिंपल सा चीज ये है और दूसरा है ये, ठीक है सी एच बोला है बोलने को वहां पे, यहां पे सी एच की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात करेंगे एन एच की बात करेंगे, ठीक है इसकी बात, इसका नाम क्या है ए बी री डी और इसका ठीक है एडिटिंग और एडिटिंग। बोलो इन दोनों में से रिफ्लेक्स किसका बड़ा है एडिटिंग का, तो उसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा इसकी अपेक्षा कम होगा, तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो एन एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसका हमको देखने को मिलता है 2966 सेंटीमीटर इनवर्स, कितना मिलता है 2966 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन इसका देखो इसका एन एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा कितना मिलेगा देखो इसमें एन एच लिखा है एन एच टू की बराबर होगा सी एच ही रखो इसको हटाओ एन एच नहीं लिखा तो लिखा नहीं है सी एच किसकी बात कर रहा है वो तो किसकी बात कर रहा है ठीक है तो ये होगा हमारा सी एच और यहाँ जो उपस्थित होंगे एच ये होगा हमारा सी तो ऐसा रख लीजिए सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसका एलईडी में 3047 सेंटीमीटर इनवर्स होता है और एलईडी रिंग में 2966 सेंटीमीटर होता है। क्यों ऐसा हुआ रिंग साइज के एक्सपेंशन के साथ साथ क्या होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसका सी एच बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है डिक्रीज होते चलता है, ठीक है कम होते चलता है। क्लियर है ये चीज?
आगे देखें तो यहाँ पे बोलता है थ्री एन स्टेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एच एडेनिन। तो देखो तो अगला बोलता है टू एच एडेनिन एडेनिन। देखो तो टू एच एडेनिन किसको बोलेंगे, फॉर्मूला क्या होगा इसका? एचडी का फॉर्मूला टू एच एचडी का फॉर्मूला पढ़ो रे पढ़ो कहे लोग। होगा टू एच एजरीन होगा कि नहीं? होगा ओनली एजरीन होगा तो होगा और अनसेचुरेटेड का केस होता, ठीक है? मतलब एक होगा ना, ये होता, ये क्या कहलाता है एजरीन, ठीक है? एजिलिन होता है। अब टू एच एजिलिन मतलब दूसरे पोजीशन पे एक्सेप्शन होना चाहिए। तो देखो इसमें नंबरिंग करके तो इसको नंबरिंग करके कैसा हो सकता है? भगवान भी कर सकते हो थ्री ऐसा करो थ्री इसमें वन टू थ्री ऐसा करेंगे क्यों नहीं? हाँ सैचुरेटेड पॉइंट को पहले नंबरिंग करते हैं सर। हाँ तो इसलिए ये तो इधर ना होता है, इधर टू और इधर थ्री, ठीक है? इसलिए यहाँ पे देखोगे तो ये हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखते हैं सैचुरेशन है, दो हाइड्रोजन के लिए दो एच नहीं लिख रहे हैं, दो नंबर दो नंबर को दिखा रहे हैं और वहां पे बोल रहे हैं कि सैचुरेटेड पॉलीफेनोल ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि ये जो टू एच एजिलिन है इसके लिए सी एन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, सी डबल बॉन्ड एन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो तुम पहले जो है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला टॉपिक नहीं पढ़े, तुम लोग थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके पढ़े थे ना उसको, क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पढ़े हैं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कुछ कुछ पढ़े हो इसलिए थोड़ा सा पढ़ो। तो देखो क्या बोल रहा है, थ्री एन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसके लिए कितना प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है 1800 सेंटीमीटर की। क्या वो लोग वहां से पढ़ के आए होंगे, पढ़े थे इसको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ते जिसके में बैक पढ़े हो तुम लोग पास कहाँ जा रहे थे, जो वहाँ नहीं जाते थे फाइनल ईयर में। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना कितना देखते हैं, देखो सी और एन ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमको कितना प्राप्त होता है, 1800 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। एंड इन अनस्ट्रेच्ड असाइक्लिक एमीन, देखो तो असाइक्लिक एमीन का केस है इसी में इसी का, तो असाइक्लिक एमीन किसको बोलोगे? तो देखो तो एन है डबल बॉन्ड से जुड़ा हो सी और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो सी एच थ्री, ये हो गया सी एच टू, ये ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अनस्ट्रेंड अनस्ट्रेंड क्या बोलोगे, असाइक्लिक साइकिल भी नहीं है तो असाइक्लिक एमीन। इसके लिए जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कौन सी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, कौन सी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, सी डबल बॉन्ड एन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, यह हमको प्राप्त होता है कितने पर, 1650 सेंटीमीटर इन, कितने पर 1650 सेंटीमीटर इन वर्ष पर,
ठीक है, क्या ये समझ में आया जो बोल रहे हैं? इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं इसको समझो। रिंग का साइज बढ़ेगा, स्टेटिक फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, उसके ऊपर में लिखा हुआ है देखो क्या होता है, अनस्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लोअर होती है, और स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल में हायर है। मतलब सीधा सीधा है, जो कंपाउंड हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देगा, जो कंपाउंड हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देगा वह क्या होगा, एंगल उस पर एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा। वही चीज दिखा रहा है तुम इसको, इसको इतना है ये, लेकिन किसका स्ट्रेचिंग हो रहा है, सी एच का, बीच से कंपेरिजन नहीं कर सकते, सी एन से कंपेरिजन थोड़े भी कर सकते, लेकिन ये देखो तो इसमें स्ट्रेन नहीं है, इसमें स्ट्रेन है, स्ट्रेन है इसलिए इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज्यादा, और इसमें स्ट्रेन नहीं है इसलिए स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम, इसमें ज्यादा इसमें कम। मतलब ये है कि स्ट्रेन जो मॉलिक्यूल होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, चाहे वह सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वह एन एच फ्रीक्वेंसी हो, या फिर सी एन फ्रीक्वेंसी, क्लियर है? तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होगा उस पर स्ट्रेन भी ज्यादा होगा, क्लियर है? समझ में आ गया? आगे देखिए इसमें, ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला ट्राइसाइक्लिक साइक्लिक में ये होगा, ये ऑक्सीजन है, इसके लिए देखें तो सी एच फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है, इसकी मिलती है कितने सेंटीमीटर, ये रखने को अलग है रहने को, लेकिन ये भी समझना भी पड़ता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है? देखो सी एच तो कहाँ होगा, सी एच इसका यही होगा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो इतनी होगी, ठीक है? इसके अलावा आगे बोलता है एक्सीटेन, देखो तो ऑक्सीजन, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब ये होगा सैचुरेटेड वाला एन बोल रहा है, तो इसके लिए देखें तो सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है कितने की, 2928 सेंटीमीटर इनवर्स, बोलो। अब इसके बेस पर दोनों में ये बताओ कौन स्ट्रेंड है कौन स्ट्रेंड नहीं, ऊपर वाला ज्यादा स्ट्रेंड है, स्ट्रेंड क्यों है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसलिए वह स्ट्रेंड होगा, क्लियर है? अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है तो बता स्ट्रेंड क्यों होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है दोनों में, तो स्ट्रेंड क्यों होगा, थ्री साइकिल है, तीन नंबर है, छोटा साइकिल है इसलिए ज्यादा स्ट्रेंड होगा, बड़े साइकिल का क्लियर है? तो सब में जानते हो इसमें क्या होगा, देखो मान लो ये वैल्यू भूल गए परीक्षा में, ये वैल्यू भूल गए तो ये याद रहेगा कि हाँ थ्री मेंबर है, ज्यादा इसमें क्या होगा स्ट्रेचिंग होगा, अब वैल्यू पता नहीं है तो ज्यादा लिखो उसको, इसको कम लिख देना, सामने वाले को अगर याद है तब तो कटेगा, याद नहीं है तो अरे ज्यादा तो लिखा है, क्लियर है? तो ऐसा कॉन्सेप्ट भी एमएससी लेवल पे लगाना पड़ता है, क्लियर है? आगे बढ़िए, आगे दिया हुआ है सीरेन, बोलो तो रियल में ये क्या है, तो थिया इरेन है, आई आर ए एन ई, क्या होगा बोलो, एस होगा और कैसा होगा, अनसेचुरेटेड, सैचुरेटेड है ना, क्लियर है? इस पर देखें तो सी एच फ्रीक्वेंसी, सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो किसकी होती है 30 सैतालीस सेंटीमीटर,
और यही पे एक चीज दिया हुआ है क्या दिया है TA10 क्या होगा और नंबर ये होगा किसकी देखें तो इसकी की है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगा कि ज्यादा होगा बोलो कॉन्सेप्टिव बेसिस पे समझ में आएगा ना इससे कम होगा कम होगा तो कितना होता है 2959 सेंटीमीटर क्यूब होगा अब बोलो दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रेंथ दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रेंथ रिमेंबर ठीक है तो इस प्रकार से हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इलेक्ट्रॉन चलो इसी में एक और है उसके लिए मोबाइल खोलो तो एक बार इसका स्ट्रक्चर मेरे को भी पता नहीं है जो है ये है हमारा एड्रिनिन ओन ऐसा होगा स्ट्रक्चर इसका सी ओ ये सी और ओ के बीच का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बताता है कि 1830 से 1859 सेंटीमीटर इनवर्स का होगा ठीक है इसीलिए अपोजिट एक और बोलता है इसको देखो तो क्या बोलते हैं तो इसको अल्फा पोजीशन पे है ये पीटो ग्रुप कहाँ है अल्फा पोजीशन इसलिए इसको अल्फा लैक्टोन बोला जाता है लैक्टोन इसको बोला जाता है अल्फा लैक्टोन ठीक है क्या बोला जाता है अल्फा लैक्टोन और बीटा लैक्टोन हाँ तो बीटा देखो तो इसमें दोनों साइड जुड़ेगा फिर भी अल्फा ही होगा इसमें तो अल्फा लैक्टोन होगा नहीं ये है बीटा लैक्टोन तो बीटा लैक्टोन कौन सा होगा यहां से अगर ओ जुड़े ठीक है यहां से अगर क्या जुड़े सी डबल बॉन्ड ओ जुड़े इसका नाम क्या होगा ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन ई रहेगा इलेक्ट्रॉन एथ है ठीक है ये हो गया इलेक्ट्रॉन ए है ये भी ए है ये ठीक है चलो इसका नाम समझ में आया एडीपी डी ओन समझ में आ रहा है और वो क्या है बीटा इलेक्ट्रॉन है ठीक है क्योंकि ये देखिए ये पोजीशन अल्फा और ये भी अल्फा ये क्या होगा बीटा इस केस में देखो तो इसका ये अल्फा और ये अल्फा मतलब दोनों साइड का एंगल जुड़ा रहेगा तब इसमें अल्फा इलेक्ट्रॉन बनेगा और उसमें बीटा इलेक्ट्रॉन ठीक है तो इसमें बोलता है सी डबल बॉन्ड को स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितने का होता है तो इसका होता है 1745 से 1765 सेंटीमीटर इंच बोलो क्या बोलना पसंद करोगे दोनों में से स्ट्रेंथ कौन ये ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उससे क्यों होगा रिंग भी प्लस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा वह उतना ज्यादा स्ट्रेंथ समझ में आया ये हो गया और इसका ये कम क्योंकि यह इससे कम होता है तो इस प्रकार के इसके दो टॉपिक जो है वो चौथा है इसका कंजुगेट इफेक्ट ये दोनों है कर्ण पढ़ करके आना
और बनेगा तो थोड़ा छोटा है, इतना इतना बड़ा ब्रेसिंग इसी के लिए। अगर समझ में आ जाता है तो नहीं बताएंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन क्लियर। और इसके आगे है पिरामिडल इन्वर्जन एक नाइट्रोजन, इसको देखेंगे अगले कल, ठीक है।